वाह, एकदम अलग वैरायटी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, दो अलग अलग किस्म की मछलियाँ मिली है। व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीबॉडी, दिस इज युवक एंड यू आर वॉचिंग क्रेजी अबाउट फिशिंग। और ये है एक बिल्कुल ही नया स्पॉट फिशिंग का, जंगल के थोड़ा अंदर है, काफ़ी खूबसूरत स्पॉट है दोस्तों। और यहाँ पे कैटफिश की काफ़ी वैरायटीज मिलती है दोस्तों, और आज हम कैटफिश का शिकार करेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल और लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स अलॉट। ये देखिए दोस्तों, एक और कैटफिश लगी है। कैटफिश, ये देखिए, ये केकड़ा बेचारा बेवजह फंस गया, पुअर क्रैब। दोस्तों शायद ये घोगरों का प्रदेश है, कैटफिश का प्रदेश। दोस्तों ये देखिए, मैं बेट के लिए अर्थवर्म इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए, इस तरह से लगाया अर्थवर्म मैंने। मुझे भी एक मछली लगी है एक्चुअली, तो निकल गए। अरे वाह, काफी दिनों बाद अलग अलग मछलियाँ मिली है दोस्तों। आपने वो ये देखिए दोस्तों, दो अलग अलग किस्म की मछलियाँ मिली है। दोनों भी कैटफिश है, हिंगाड़ा हिंगाड़ा, और इसे शायद है ना घोगरा बोलते हैं मराठी में। ये घोगरा है, ये शिंटा, ये घोगरा है, ये शिंटा। फिर से एक सिंगाड़ा दोस्तों, कैटफिश। ये देखिए दोस्तों, इधर एक केकड़ा है। ये देखिए, शायद जूम करके दिखे आपको। ये देखिए, यहाँ पे एक केकड़ा है, इसे हम काटे से कैसे पकड़ा, देखिए। ओ टाइट पकड़ा एकदम। देखिए इस तरह से जो है, कभी कभी हमारा हुक जो है स्नैक हो जाता है, स्नैग हो जाता है, लेकिन असली में वो केकड़े ले जाते हैं जो है, ऐसे गैप्स जो होती है पत्थरों में, उसके बीच में, तो ऐसे केकड़े जो है लेके बैठ जाते हैं अपना हुक। काफ़ी देर से परेशान कर रहा था दोस्तों ये मछली। ये देखिए दोस्तों, एक कैटफिश लगी है। काफ़ी परेशान किया इस कैटफिश ने। काफ़ी देर तक तो मैं सोच रहा था कि ये केकड़ा है, लेकिन ये मछली थी वो। एकदम अलग वैरायटी दोस्तों। काफ़ी दिनों से इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था मैं। यह है देसी मांगुर दोस्तों, जो थाई मांगुर है वो इसका ओरिजिन है। ये मछली और कोई दूसरी मछली क्रॉस ब्रीड करके वो वाला मांगुर बनाया गया है।
है मांगुर, ये ओरिजिनल मांगुर है, ये देखिए कैटफिश। और दोस्तों, अरे इस मछली की खासियत ये होती है दोस्तों, अगर इसका काटा लग जाए तो फिर 3-4 दिन तक दर्द नहीं जाता है, बुखार आता है। और एक चीज़ कि ये खाने में काफ़ी टेस्टी होती है दोस्तों। ये अब तक की मेरी पहली मछली है दोस्तों, ये मछली काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था मैं पकड़ने की, लेकिन अब तक पकड़ नहीं पाया था। ओ वो 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 आराम से आराम से, ईजी बेबी ईजी ईजी। अभी कोशिश करता हूँ इसे हाथ में लेने की। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता दोस्तों, 200 से 250 ग्राम तक बड़ा होता है। और यही वो मछली है जिसका क्रॉस ब्रीड करके, ये और कोई और एक मछली बना, क्रॉस ब्रीड करके थाई मांगुर बनाया गया है। लाल नीली पीली, काफ़ी बड़ा मछली और कलरफुल है काफ़ी।